दोस्तों, इस समय मैं हूँ भारत माता मंदिर में और इसको बनवाया था श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी ने और श्री महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए दिखाते हैं आपको इसको अंदर से कि पूरा कैसा है ये मंदिर। देवाधिदेव आदिदेव महादेव के त्रिशूल पर स्थित काशी को मंदिरों का नगर होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ देवी देवताओं के अनेकों मंदिर हैं। इन मंदिरों के बीच इस प्राचीन महानगर में एक ऐसा भी अद्वितीय मंदिर है जिसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा की जगह राष्ट्र का भौगोलिकीय लघु प्रतिरूप मूर्तिमान रूप में विराजित है। भारत माता मंदिर के नाम से चर्चित राष्ट्र देवता का ये मंदिर आजादी के योद्धाओं के लिए चर्चित विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में चित्रकला विभाग के समीप स्थित है। इस मंदिर के संस्थापक काशी के चर्चित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं काशी विद्यापीठ के संस्थापक स्वर्गीय बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी थे। और दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार के पास बिल्कुल। और मंदिर के जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ, दाएं और बाईं तरफ, दोनों तरफ दो शिलालेख लगे हुए हैं जिसमें वंदे मातरम जो है हमारा सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, तो ये दोनों साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। और इस मंदिर के ऊपर की तरफ जब नज़र डालते हैं तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे लिखा हुआ गायत्री मंत्र, ये देखिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और बाकी का जो वंदे मातरम है वो राइट साइड में भी लिखा हुआ है। और अब इसको देखने के बाद हम इसके अंदर चलते हैं। और साथ में आपको दोस्तों बता दें कि इसका जो निर्माण कार्य है वो 1918 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 5-6 वर्षों में पूरा भी हो गया। और यहाँ पे जो इसका शिलान्यास हुआ था वो 2 अप्रैल 1923 को श्री भगवान दास के करकमलों से हुआ था। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अंदर। ऊपर देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी सुंदर है, बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन बनी हुई है ऊपर गेट के ऊपर। और गेट में अंदर घुसते ही सामने हमें दिखाई दे रही है भारत माता जी। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। भारत माता जी की तस्वीर के पीछे ही बना हुआ है हमारा मैप, जो हमारा भारत का नक्शा है, वो हम आपको भी बाद में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए जो मातृ मंदिर के बारे में मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखा, कितना सुंदर लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है, भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की भला प्रेम उन्माद, यहाँ कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान। यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा की सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ सभी तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100-100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। मिला सत्य का हमें पुजारी सफल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। बैठो माता के आंगन में नाता भाई भाई का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। बहुत सुंदर जो बनवाए हैं सबसे वाले उनके माने उनके ऊपर बनाए हैं। हाँ, और पीछे जो ये आप जमीन पे देख रहे हैं ये मार्बल से बना हुआ भारत का नक्शा है, ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें पाकिस्तान नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आज़ादी से पहले का बना हुआ नक्शा है, तो इसमें पाकिस्तान नहीं दिखाई देगा, बाकी भारत के सारे जो क्षेत्र हैं वो आपको दिखाई देंगे। वो स्टार्टिंग वहाँ से, अरे उस वाले बोर्ड से स्टार्टिंग वहाँ से है। हाँ, बन जाने के बाद कभी है। अच्छा अच्छा, पहला वहाँ पे है। दोस्तों, यहाँ के मानचित्र में जो टुकड़े यूज़ किए गए हैं, जो मार्बल लगा है, वो 11x11 इंच के 762 टुकड़ों से इस मानचित्र को तैयार किया गया है। और जो यहाँ का गर्भगृह है वो 31 फीट 2 इंच लंबा व 30 फीट 2 इंच चौड़ा है। हमारी मातृभूमि इस मानचित्र से 405,500 गुना बड़ी है। और दोस्तों देखिए दीवारों पर कितना हमारा सारा कुछ लिखा हुआ है, सूर्य से चंद्रमा की दूरी क्या है, सारा साइंटिफिकली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत ही मिसप्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये धूम केतु, अब इसमें लिखा है कि 76 वर्ष के बाद 2045 में फिर उदय होगा। इस तरीके से बहुत जगह जगह पे बहुत सारी कोटेशंस हैं, लेकिन वो सब बहुत ही डल हो चुकी है। कई जगह पे ऐसी लाइनें लिखी कि समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए लिखा है हेली नामक धूम केतु, सूर्य और उसके ग्रहों का आनुपातिक
परिमाण, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही उसका जो प्रिंट है ना वो बहुत ही पुराना हो चुका है, तो कई जगह पे तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा है कि यहाँ पे सारा भौगोलिक जो वितरण होता है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं उनको बहुत अच्छे से बनाया गया, किसकी किससे दूरी क्या है वो सारा कुछ जगह जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन शायद इसकी देख रेख उतनी अच्छे से नहीं हो पाई, जिस हिसाब से जगह है उस तरीके से मुझे लगता है इसकी देख रेख नहीं हुई। तो सब कुछ देखिए बुध शुक्र लिखा हुआ है, कुछ कुछ समझ में आ रहा, लेकिन कितना मिसप्रिंट हो चुका है सब कुछ, बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें लिखी हैं लेकिन वो समझ से थोड़ी बाहर हो रही हैं क्योंकि ठीक से पढ़ने में नहीं आ रही हैं। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाते क्या क्या है, बस थोड़ा थोड़ा बर्ड्स आ रहे हैं पढ़ने में। देखिए व्यास लगभग 88, कुछ आगे नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखें आगे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से दीवारों पे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे इस तरीके का प्रिंट बने हुए हैं, लेकिन ये प्रिंट सारे आपको दिखाई दे रहे हैं कि बहुत पुराने हो चुके हैं, तो पढ़ने में ठीक से नहीं आ रहे। और थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर एक पूरी लिस्ट लगी हुई है जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, श्री भारत माता मंदिर के जो ट्रस्टी है, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं उनकी पूरी लिस्ट है। और उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ने पर वो एक और कुछ लिखा हुआ है जिसमें भारत माता का जो मानचित्र है उसके बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है इसका। तो चलिए पहले हम आपको जरा मानचित्र दिखाते हैं, फिर हम बाकी का मंदिर आपको दिखाएंगे। ये आज़ादी के पहले का। अच्छा, इसमें लिखा हुआ भी है छोटा छोटा सा बिल्कुल। हाँ हाँ, सब नदी नाला कैसे कहाँ कहाँ। ये देखिए, ये तो मैंने अब ध्यान दिया, दूर से तो दिख ही नहीं रहा था। माउंट एवरेस्ट है, काठमांडू, नेपाल, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा देवी, इस यार ब्रह्मपुत्रा ना, यह ब्रह्मपुत्रा यह करके ब्रह्मपुत्रा माने कि जा करके यहाँ मिल गए, माने ब्रह्मा जी के नाम से है ना, ब्रह्मपुत्रा जिसे दलाई लामा तिब्बत, तिब्बत यो मंगोलिया, चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, चाइना, इसी कैलाश माउंटेन है, गंगा रिवर स्टार्टिंग दिस ईयर, गंगा यमुना ज्वाइंट, इलाहाबाद, बनारस, काशी, बनारस, कहाँ पे लाइट है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बनारस, काशी, कोलकाता, बांग्लादेश, इसी इंडस रिवर ना, इंडस रिवर का सर, ये काश्मीर, काश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान का एरिया है, एरियन का है ना, अफगानिस्तान, रूसिया, काराकोरम माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन, अब आइए ये पानी का मानव सतह मान की। अच्छा, कितने किलोमीटर पे पानी है, मतलब उसकी ऊंचाई, गहराई, गहराई कितनी पानी, समझ रहे हो आप? ये तक बनाया डिजाइन में कि यहाँ पे जो पानी है समुद्र है, मतलब उसकी गहराई कितनी है आपको और जाते हो। ये बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल लिखा ना, बंगाल की खाड़ी,
यहाँ से शुरू है ना, ये देखो बंगाल की खाड़ी, मैंने यहाँ किया है 14,000 कितना है। हाँ ये इसको क्या बोलते हैं हम, बड़वा नाला है। हमारे दादाजी चीज हमने तो समझाओ उसको नहीं पूछ सकते थे, आईलैंड है ना, आंधवार आईलैंड, आंधवार इंग्लैंड हुआ। पहले अंग्रेजों के जो आने मेपन होती थी सजा काला पानी, हाँ हाँ ये सुमात्रा, अच्छा ये सुमात्रा इंडोनेशिया के लोग पानी सेना को लेकर कर किया वो लोग बंद करके तब आए। अच्छा और लंका रामेश्वरम है ये मन्नार की, मन्नार की खाड़ी ये हिंद महासागर ना, चाइना चाइना वाला जो होलसेल आता है अपना माल झांसी। आपको तो यहाँ बैठे बैठे सब रट गया होगा, आपको तो सारी चीज़ें रट गई होंगी। हमारे दादा थे, बाबू जी थे और हम लोग। और दोस्तों ये सामने की तरफ सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, तो इसको भी क्यों छोड़ा जाए, जरा चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा खाली ही है। ये देखिए बस ऊपर एक विंडो सी बनी हुई है जिससे बाहर का थोड़ा सा दिख रहा है, और ये जगह ऐसे लग रहा है किसी पर्पस के लिए बनाई, लेकिन यहाँ पे है कुछ भी नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए बाहर का दिखाई दे रहा है इस विंडो से, बिल्कुल बाहर की तरफ का, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किस पर्पस से बनाया है पता नहीं। चलिए निकलते हैं बाहर और आपको बताएं दोस्तों कि जो जब यहाँ पे गणतंत्र दिवस होता है या स्वतंत्रता दिवस होता है तो इस मौके पर मंदिर को गेंदा के फूलों से सजावट की जाती है। और सबसे मेन बात जो ये मानचित्र है, और इस मानचित्र में जो नदियाँ और झरने हैं उनमें भी पानी भरा जाता है और जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों ये पूरा बोर्ड फिर यहाँ पे भी साइड में लगे हुए, वही सारे मिसप्रिंटेड हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें लग रहा है इस पर लिखी हुई, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लिखी हुई, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही क्योंकि आधी समझ में आ रही आधी नहीं आ रही, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या है यहाँ पे। तो चलिए अब हम निकलते हैं इस मंदिर से बाहर। उम्मीद है आपको ये हमारी भारत माता के इतने सुंदर से मानचित्र के दर्शन अच्छे लगे होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में भी। जय हिंद।